मॉर्निंग है तो मैंने खाना बना लिया, नाश्ता नाश्ता नहीं बनाया, जब हम लेट उठे थे और फिर चाय के साथ में कुछ ना कुछ खा लिया था, तो फिर नाश्ता कैंसिल, खाना बना के रखा हुआ है, बना के रख दिया, बाद में खाएंगे सब। अभी बस किचन क्लीन किया है, बर्तन ये पीनू है, ये देखो ये बहुत सारे बर्तन भी काफ़ी हो गए थे, तो ये कह रही बर्तन मैं धो लूँगी। मैंने कहा तू रहने दे मैं धोती हूँ, फिर कह रही नहीं नहीं मैं बर्तन घर पे भी करती हूँ तो मैं यहाँ पे भी कर लूँगी। मैंने कहा चल ठीक है, फिर ये बर्तन कर रही है, अभी नहाना धोना बाकी है, बस किचन का काम खत्म हो गया। मेरा भाई है ये, इसने अभी अभी नाश्ता किया बस एक परांठा खाया, नमक मिर्ची वाला प्लेन परांठा बनाया था बस, सांगरी के अचार के साथ खाया बस खा लिया। मैंने ये मूंगफलियाँ उबाली है, थोड़ा नमक और पानी डाल के 10 या 10-12 सीटी लगाई कुकर में, तो ये ना खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसके ऐसे देखो इसके अंदर है ना थोड़ा पानी सा भर जाता है जब ज़्यादा उबलती है ना, तो ये देखो पानी दिख रहा है, ये बहुत अच्छी लगती है इसको। जैसे खाने बैठते हैं ना ऐसा लगता है खाते ही जाओ, रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये हमने पाइनएप्पल शेक मंगाया है, आज हमने नाश्ता बाहर से मतलब नाश्ता करने का इरादा नहीं था, फिर भाई बाहर गया तो वो शेक लेके आ गया, तो फिर हम पी रहे हैं। ये मेरे चाचे सास है और ये पिन्नू है, तो हम लोग अभी बस ये खाएंगे और ये खाते पीते टाइम हम देखते हैं इस टाइम अनुपमा। तो अभी हम ये नाश्ता भी करेंगे, मूंगफलियाँ खाएंगे, शेक पियेंगे और साथ में हम एक सीरियल देखते हैं अनुपमा, और ये है चाहते, ये दो सीरियल हमारे फिक्स है, आंटी जी को भी ये दोनों सीरियल पसंद है, तो हम साथ में बैठ के सीरियल देखते हैं। और चिकू अभी सोया हुआ है, चिकू सुबह जल्दी उठ गया था तो मैंने आंटी जी को दे दिया था और मैं वापस जाके सो गई थी, तो इन्होंने इतनी देर रखा अब उसको वापस नींद आने लग गई, तो वो भी सो रहा है। हम लोग तब तक हम अपना कुछ खाना पीना करेंगे और सीरियल देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी नहा के आई हूँ और कपड़े धो लिए, आज कपड़े थोड़े थे, मैंने कपड़े सुखाए, कुछ पिनू सुखा रही है, अब पिनू जाएगी नहाने के लिए, ये देखो इसके इतने लंबे बाल हैं, तो ये नहाने में 4 घंटे लगाती है, आज ये सर धोएगी और फिर ये बाल बनाएगी, अब ये निकालेगी, पूरा दिन इसका बालों में जाएगा, पर इसके बाल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, पर मेरे नहीं है, मेरे को ना थोड़े से हैं, जैसे ग्रोथ भी बहुत कम है, इसको ये ना बाल्टी चाहिए थी नहाने के लिए, हमारे पास एक ही बाल्टी है तो ये इसीलिए कपड़े फैला रही है वरना नहीं सुखाती। ये देखो ये चिकू क्या कर रहा है, बाल बना ले चिकू, बाल बना ले, अब चिकू नहाना ही करेगा और बहुत रोएगा, कितना रोएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा, ये देखो ये बाल बना रहा है, मतलब पूरा घर का काम करो चाहे चिकू को नहलाओ बराबर है, क्योंकि चिकू नहाते टाइम इतना रोता है हमारी बीपी लो होने लग जाती है, मतलब मेरी खुद की हालत हो जाती है कि मैं रोज बैठता नहीं है बिल्कुल भी, नहाते टाइम खड़ा रहता है टब में ऐसे, अब कैसे करे, एक हाथ से पानी गिरा, एक हाथ से साबुन लगा, एक हाथ से पकड़ के रखना पड़ता है, ऊपर से स्लिप होने का पूरा डर रहता है, तो मम्मी भी कोई भी नहलाता है ना उसको लगता है कि मैं नहला दूँ, कोई भी मुश्किल लगता है नहलाना, इसका काम बहुत डर लगता है इसको नहलाने में। ये लो आज तो मैं नहीं, आज मैं नहीं नहलाऊँगी तुझे, ठीक है नहीं नहलाऊँगी, ओके बोल नो कैसे करता है, नो नहाएगा चिकू, चिकू बाल बना ले, ये देखो चिकू के थोड़े दिन पहले ही है ना पूरा गंजा करवाया था, क्योंकि एक बार करवाना होता है जन्मने के बाद, तो अब इसके वापस बाल आ गए थोड़े थोड़े से, गोलू गोलू के काले काले बाल आ गए थोड़े से थोड़े से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ना ये कल ये झुमकी ली थी, हमारे पड़ोस में एक दादी जी है तो वो ऑनलाइन का काम करते हैं, उनकी बेटी, तो उनको मैंने पहले बोला था कि कोई जब इयर रिंग्स आए ना तो मुझे बताना, तो फिर आए तब उन्होंने मेरे लिए रखे, तो मैंने लिए, देखो कैसे लग रहे हैं, पर ये इस पर मैच नहीं हो रहे हैं, ये वाइट काम है ना इसमें सिल्वर, ये गोल्ड ना सेट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, वापस खोल देती हूँ। ये ड्रेस है ना मैं अभी लाई थी मतलब थोड़े दिन पहले, तो पिनू कह रही आज ना फोटो शूट करते हैं, तो फिर मैंने देखो इसके साथ दुपट्टा भी इतना प्यारा है, इस पर ऐसे डिजाइन है ये गले में, ऐसे रहेगा ये, तो देखो कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि ये मुझे कहीं बाहर लेके नहीं जा रहे थे, काफ़ी टाइम से बीजी चल रहे हैं, तो मैंने कहा ये ड्रेस है ना पूरा शहर पहन लेगा फिर मेरा नंबर लगेगा, तो मेरे को ना फोटोज़ खिंचवाने का बहुत शौक है, तो आज हमने ना बस ऐसे ही रेडी हो रही हूँ घर में फ़ोटो शूट के लिए।
मेरे से जो पेंसिल वाला होता है ना वो नहीं सही लगता, लिक्विड वाला ज़्यादा सही लगता मेरा, वैसे सही लगता। आज ही थोड़ा सा हिल गया था हाथ। अब ये गिल्ला है ना, अभी नहीं हटाऊंगी, थोड़ी देर बाद में हटाऊंगी, वरना तो पूरी आंखें काटी हो जाएगी। तो मैं ना थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल करती हूँ, वरना पता मेरा आईब्रो बहुत लाइट है, तो मेरे फोटो में ना आईब्रो बिल्कुल आता ही नहीं है। अब सही है ना। और कान के मुझे मेरे जो थे ना वो मुझे मिले नहीं, पता नहीं कहाँ रखे हुए, तो ये भी कोई पुराने थे, तो कम मैच हो गए, फिर भी मैंने कहा चल ठीक है पहन लेती हूँ। तो ये देखो अच्छी लग रही हूँ। मैं ना फोटो शूट तो करवा लिया पर कुछ अच्छा फोटो नहीं आया, क्योंकि चीकू बिल्कुल बीच में आ रहा, हर फोटो में चीकू था, और मेरे जितने भी फोटो है ना वो सारे चीकू के साथ दिख रहा है। ये देखो ये शैतान, और अभी खाना भी खाना है, 2:30 बजने को आया है, नाश्ता भी नहीं किया था, वो सिर्फ मूंगफली और जूस पिया था। फोटो खींचने उसी चक्कर में। ये देखो अब मैं मोटी भी हो गई ना पहले से, तो मेरी इतनी अच्छी फोटो नहीं आती पहले जैसी, पहले ज़्यादा अच्छी आती थी। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, खाना वाना हो गया, और अभी पता टाइम क्या हो रहा है, 2:30 बजे मैंने खाना खाया, अभी 3 बज रहे हैं। तो फिर मैंने कहा झाड़ू तो पहले लगाया हुआ था, थोड़ा सा गंदा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि आज हमारी वो बाई नहीं आई ना, काम वाली बाई, कल भी नहीं आए थे, तो कल भी नहीं लगाया था, तो कल फिर झाड़ू लगाया था, पोछा भी नहीं लगाया। आज भी मैंने कहा चल यार गंदा, टाइम भी तो काफ़ी हो गया था, फिर मैंने कहा चल यार लगा लेती हूँ, वरना चीकू पता कुछ ना मुँह में डालता रहता, ज़्यादा गंदा भी लगता है। और आज ये भी ऑफिस से आने वाले नहीं है ना, वरना तो इस टाइम ये होता है कि ऑफिस से आएंगे, तो फिर आज अभी ये घर गए हैं, राजस्थान गए हुए हैं, तो फिर कुछ अलग तो काम है नहीं, तो हमने तभी मैंने बीच में इतना सारा 1-1.5 घंटा हमने फ़ोटो शूट में लगा लिया। और अब मैं ये कर रही हूँ सफाई, तो सफाई इधर करूँगी, फिर थोड़ा बाहर भी करूँगी, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर ये सब करके फिर मैं चिकू को सुलाऊँगी। चिकू को पता मेरे हाथ झुका झूला दे दे कि हाथ दर्द होने लग जाता है, झूले देती रहती हूँ, घंटा 1 घंटे में वो सोता है पूरे झूले खा के, जल्दी से सोता भी नहीं है। फिर उसको सुलाती हूँ, फिर मैं सोती हूँ। दिन में मैं थोड़ा रेस्ट रोज करती हूँ, अगर कोई आ जाए तो अलग बात है, वरना मैं और चिकू आराम से सोते हैं फिर 6 बजे तक। दाल ढोकली, तो उसके लिए मैंने और ये दालें ली है मैंने, 4-5 तरह की, चना दाल, मसूर दाल, मूंग की दाल, और एक कौन सी थी ये, अरहर की दाल। तो 4 दाल मिक्स करके थोड़ा पानी ज़्यादा रखते हैं, फिर इसमें मैं आटे की ढोकली बनाऊंगी, वो भी बताते हैं आपको। लहसुन और हरी मिर्ची कूट के रखी हुई है, तो ये डाल रही हूँ। लहसुन इसमें ज़्यादा जितना होएगा ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। दाल में भी मैंने काफ़ी सारा लहसुन डाला, दाल तो वही होता है जो नॉर्मली तरीके से घर पे दाल बनाते हैं ना, वो इसको सोड मतलब हमारे राजस्थानी लैंग्वेज में खींचिया वाला खरा बोलते हैं, और इसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, वो सोडा बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा कि बहुत सॉफ्ट सा होता है, ये थोड़ा सा बस इसमें डाल रहा है ढोकली के अंदर, और थोड़ा डालूँगी मैं इसमें ऑयल,
फिर इसमें पूरा आटा लगा के, नॉर्मली आटा जैसा घर में रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं वैसा आटा लगा के फिर इसकी छोटी छोटी लोई बनाने लगती है। अभी मैं ये लगा दी और सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। सिटी आ गई और ये डाल के ये थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया पास में, तो अगर जब हाथ पे आटा चिपकने लगता है ना तो थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ। तो ये कुकर में डालने के बाद 2 सीटी और लगा दूँगी, 2 सीटी में ढोकली पक जाती है, 2 में दाल पकी हुई है, कुछ अध पकी हो जाती है, थोड़ी ढोकली के साथ साथ दाल पक जाएगी। अगर पानी कम होगा तो ढोकली डालते टाइम मैं थोड़ा पानी ऊपर से और डाल देती हूँ, थोड़ा सा सोडा भी डाल दूँगी ऊपर से, तो फिर 2 सीटी लगा के बहुत टेस्टी हो जाती है। फिर धनिया वगैरह गैस बंद करने के बाद जब कुकर में सीटी आ जाएगी उसके बाद डालती हूँ। तो ये देखिए चिकू, चिकू आ जा, ये अभी सोया नहीं है, 11:30 बज रहे हैं, अब इसको सुलाएंगे और खाना वाना हो गया है। प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।